देखना कैसे फस फस के जा रहे हैं। थोड़ा सा उधर होंगे। मैंने कहा था दो गाड़ियां कर लेते हैं, नहीं कहते नहीं नहीं फस फस के जो मजा आता है ना तो एक गाड़ी में ही जाएंगे। मम्मी बचपन में हम नौ जने एक गाड़ी में जाते थे, सही बात है। तीन आगे और फिर उसके बाद तीन पीछे, हर एक की गोदी में एक एक, में एक, एक। नौ जने ऐसे जाते थे, आज देख लो आज तो चार जने नहीं जा पा रहे एक गाड़ी में। चलिए भाई साहब थोड़ा सुधर रही। गाइज इट्स अ न्यू डे और ये मेरे पति देव पहले इनको मिलो, इनकी तबीयत ठीक नहीं है बेचारों की, बहुत ही तबीयत नासाज है। और एक चीज आपने नोटिस करी, आपने भी पिंक पहनना है और मैंने भी पिंक पहनना, देखो वो तो तू नकल करती है। मैं सबसे पहले मैं तैयार हुई हूँ, फिर से पहले मैं हूँ। अच्छा, इन्होंने बोला कि कोई एक तो तैयार हो जो, बेसिकली आज हम जा रहे हैं वीजा लगवाने, वो आपको बाद में बताएंगे कि कहाँ का वीजा लग रहा है। और इन्होंने बोला कि एक जना तो तैयार हो जाओ, मैंने कहा वो एक जना सिर्फ मैं हूँ और एक जने ने ही काम भी करना है सारा घर का और तैयार भी उसी एक जने ने होना है, तो इसलिए सबसे पहले मैं नहाई हूँ, आपने मेरे को कॉपी करा है। ठीक है जनाब, मैंने कॉपी करा है। करा ना? हाँ जी, मान लिया ना। और इधर मेरे दो, ये दो शहजादे, रेडी? आर यू रेडी? मैं तो रेडी पैदा हुआ था। ये तो सोता भी ऐसे ही है, सोता खाता पीता सब ऐसे। हाँ, और तू भी तो ऐसे ही है, जब देखो यही टी शर्ट पहनी होती है। आर यू एक्साइटेड? नो नो, चल तू यहीं रह। एक्साइटेड कोई क्यों होगा भाई, वीजा लगवाने के लिए सरकारी ऑफिस जाने के लिए कोई कैसे एक्साइटेड हो सकता है? मम्मी को तो कहीं भी घर से बाहर ले जाओ तो मम्मी खुश हो जाती है। देखा, मैं हूँ ही ऐसी, मेरे को घर से बाहर ले जाओ 10 कदम मार्केट तक ले जाओ तो भी मैं खुश हो जाती हूँ, है ना। मम्मी SBI बैंक जाती है ट्रिप मारने। तो हम लोग ना कैब पे जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे मतलब साहब कह रहे हैं कि गाड़ी लगाने की जगह नहीं होती, बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए आज कैब बुलाई है। मैं भी आ रही हूँ लेकिन मलन साहब और निश्चय अभी तक नहीं आए। मलन साहब ने गाड़ी बुक करी थी और NSP आके उसका टायर ही पंचर हो गया, अब बाहर खड़े हैं हम इतनी धूप में, नई कैब बुक करी है भाई, दूसरी कैब आ गई अब। आ जाओ, कितना लंबा सफर था, अगर बैठ जाओ इससे पहले के पापा का क्रोध आप पे पड़ जाए। तो फाइनली पहुंच गए हम और यहाँ पहुंचते ही क्या कह रहे हैं, यहाँ तो गाड़ी लग जाती, हम यहाँ गाड़ी लेके आते। जब मैं कह रही थी वहाँ पार्किंग है, अरे हमने उसके भी इधर से जाके लगाई थी आगे, अरे इसमें है पार्किंग, मैं बोल रहा हूँ। वो मलन साहब कहते हैं कि नहीं नहीं कैब ही ठीक है, गाड़ी का झंझट ही नहीं डालना, तो इसलिए आगे कैब में, फिर कैब भी हमें इतनी माशाल्लाह मिली, दूसरी कैब में आना पड़ा। पहुंच गए, बस पहुंचना मेन था, अब चलो। 4 बजे का टाइम था और मलन साहब फौजी के बेटे हैं ना, कह रहे हैं टाइम से पहले पहुंचना चाहिए। 3 बजे ही पहुंच गए, 3 बजे ही पहुंच गए। 1 घंटा अब क्या करेंगे, इतनी धूप है और हवन करेंगे, चलो फिर करेंगे। स्टार बस बस सब कुछ है, वो भी नोनू ने बता दी। मैंने ही बोला अंदर स्टारबक्स है, चलो स्टारबक्स आए लस्सी पीने। अब उनको बताओ ना है क्या, कॉफी मिलती है, चाय मिलती है, लस्सी कह रहे लस्सी पी लेंगे मैडम, एक लस्सी। सांस क्यों नहीं आती सही में, अरे क्या पीना है बताओ। कैरमेल जावा चुप, आपके लिए भी सेम, हमें भी लाइक सेम 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 सेम। लस्सी नहीं है यहाँ पर, मैंगो ऑन द बीच फ्रैपे, क्या बात। घर पे तो तू खा नहीं रहा था खाना, कह रहा था इनके लिए मैंने मांगा। आपने मांगा तो आप भी तो खा के आए हो खाना, और भूख लग जाए बाहर आते ही भूख लग जाती है। एक्चुअली मम्मी बाहर बहुत स्वाद खाना मिलता है, तो हम बाहर ही खाया करेंगे। भाई स्टारबक्स से ऑर्डर करना बड़ी मेहनत है भाई, कौन सी कॉफी, कितना साइज, कितनी चीनी, ये वो, क्लासिक सॉल्टेड कैरामेल डॉल फ्रापे ग्रांडे, पता नहीं क्या क्या बोलना पड़ता है भाई। गाड़ी ठीक है ना मम्मी को, बोलो एक कोल्ड कॉफी दे दो। नाम लिखा हुआ है आपका, कितनी खुशी हो रही है, आपने पहली बार पी है क्या स्टारबक्स की, तभी ज्यादा खुशी हो रही है। और ये देखो
ये तो पूरा अपने साइज का लिया है इसने, है ना? तूने छोटा साइज लिया? मैंने तो बड़ा वाला साइज बोला था, मैं छोटा लिया। हाँ, गला ऐसा हो गया एकदम ठंडा। एक्साइटेड हो? पहली बार लगवाने आए हो आप? नहीं, हम तो पहले भी आ चुके हैं। मैं तो तीसरी बार आ रहा हूँ। आया तो नहीं ना तू, हम आए हुए हैं यहाँ पे। मैं तो तीसरी बार वीजा लगवा रहा हूँ एक ऐसी कंट्री का जहाँ मैं गया नहीं। अभी भाई करवा के आए हम अपना वीजा का काम, और भाई को आती आइसक्रीम खानी है। भूख लग रही है भाई, सुबह से आए हुए हैं, शाम के 7 बज गए हैं। और क्या, 3:30 पहुँच गए थे हम यहाँ पे, और अब 7 बज चुके हैं और अभी तक हम यहीं पे हैं। और ये सारी कृपा है इनकी, क्योंकि ना उन्होंने बोला कि अगर आप प्रीमियर वाले उससे जाते हैं तो आपको 15 मिनट लगते हैं। अरे मेरे पापा कहते हैं 4 घंटे लग गए, क्योंकि पापा हमारे प्रीमियर लॉन्ज में नहीं जाना चाहते थे सिर्फ 1500 रुपए बचाने के लिए। उसने खुद, अबे नलायक, मेरे को कौन सा पता है कोई प्रीमियर भी होता है इसमें या क्या होता है। वैसे ये बात भी है, जो अंदर थी पता है, सिर्फ पता नहीं उसने बोला कह रही 1500-2000 ज्यादा लगते, आपका 15 मिनट में काम हो जाता, हमने 4 घंटे लगाए हैं। हमारा वेस्ट गया पूरा दिन। चलो कोई नहीं, वीजा लगवाने के लिए अब आइसक्रीम खा लो कम से कम। अब हम जब जाएंगे, हम बता चुके हैं कहाँ जा रहे हैं। ओ भाई, ओहो, कैब बुक कर ले भाई, लग तो बहुत ही डिलीशियस रही है। कैब बुकिंग पे लगा रखी है, हो नहीं रही। चीयर्स। अभी हुई नहीं। अरे चीयर बोल के मुझे खिलानी थी। चलो 4 घंटे लगे, पर जब भूखे हो ना तो सब कुछ अच्छा लगता है। सच में जो स्टाफ थे वहाँ पे, जो स्टाफ मेंबर्स थे, सब ने इसको पहचान लिया था और कब से वेट कर रहे थे। एक चीज तो है, अंदर ना पूरा का पूरा जो स्टाफ था वो सब ने आके फोटो खिंचवाई, और जब बच्चे खिंचवा रहे थे तो कह रहे थे फोटो खींचना अलाउड नहीं है, फोटो खींचना अलाउड नहीं है। अरे ये क्या बात हुई, ये बात का तो मतलब ही नहीं समझ आया। खुद आके सबने फोटो खिंचवाई, लेकिन जब बच्चे खिंचवा रहे थे तो मना कर रहे थे। ओके ऑल राइट, तो अब हम बाहर निकल आए हैं। अरे अब निकल आए हैं, वो वीजा ऑफिस से। मैंने पापा को बताया था प्रीमियम। एक्चुअली वीजा ऑफिस जो है वो मेट्रो स्टेशन के ही अंदर है, नीचे जाके। इनकेस जिन लोगों को नहीं पता, तो आज देखो तुमको इस कमाल के ब्लॉगिंग चैनल पे इतनी इंफॉर्मेटिव चीजें भी सीखने को मिलती हैं, इसलिए सब्सक्राइब करें। मैंने आपको पहले बोला था प्रीमियम में जाओ। अच्छा, हाँ, कब बोला था? अरे एक्स्ट्रा पेमेंट देता हूँ। उधर पहचान लिया किसी ने। भाई 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 भाई, हाँ जी भाई, एक सीन वर्ल्ड वीडियो क्या वीडियो नहीं। ओ, अब मम्मी को शकरकंद दिखानी है। हेलो मैडम, हेलो, उधर मलन साहब, फैन मीटअप हो रहा है मलन साहब के फैंस। हाँ, ये मिस्टर चाय वाले मलन साहब। हाँ, पापा के फैंस। तेरे को भी पहचान लिया ये ले। हेलो आंटी, अभी शकरकंदी खाने में बिजी हैं। कह रहा था शकरकंदी कोई खाने की चीज है, कोई खाने की चीज नहीं। लेकिन फिर भी सबसे पहली बाइट तू नहीं ली। जिम जाऊंगा ना फिर, कार्ब्स हैं। मेरे को भी खिला दो यार, इतनी देर से मैंने कर रखी है, रिक्वेस्ट बुक नहीं हो रही। पापा ऑटो ऑटो से चलते हैं। अरे चलो सही में मजा आएगा, फन हो जाएगा। चलोगे भैया? चलेंगे। भैया ने मना कर दिया, उस भाई ने भी मना कर दिया। भाई कैब बुक कर ले, में भी जा सकते हैं हम, मेट्रो राइड भी कर सकते हैं। तुम कैसे करो, मेट्रो निकलो, मेट्रो में मैं पैदल आता हूँ। अरे आ गया, 2 मिनट दिखा रहा है। मेट्रो की जगह मम्मी ऑटो वाला आइडिया अच्छा है। अरे 2 मिनट, एक भी बुक नहीं हो रही थी, अब हुई तो दोनों की बुक हो गई। पापा की भी बुक हो गई, मेरी भी बुक हो गई। कितनी देर दिखा रहा है ये बता। 4 मिनट, इसमें 2 मिनट दिखा। आओ यार पापा आपके छाती पे साइन। अरे यार तू हटना। भैया ये लो मेरे सिग्नेचर कर दो, मेरे हिप पे सिग्नेचर मार दो अपना। मलन साहब को ना हमेशा टूटी गाड़ी मिलती है, जब आए थे तब भी टूटी हुई थी, अब फिर इसका एसी चल रहा है, पहले देख लो। एसी चेक कर ले भाई, एसी चल रहा है, मस्त है, चल चल। देखना कैसे फस फस के जा रहे हैं। थोड़ा सा उधर होंगे। मैंने कहा था 2 गाड़ियां कर लेते हैं, नहीं कहते नहीं नहीं फस फस के जो मजा आता है ना, तो एक गाड़ी में ही जाएंगे। मम्मी बचपन में हम 9 जने एक गाड़ी में जाते थे, सही एक बात है। 3 आगे और फिर उसके बाद 3 पीछे, हर एक की गोदी में एक एक, 9 जने ऐसे जाते थे। आज देख लो,
आज तो चार चार जाने नहीं जा पा रहे एक गाड़ी में। भाई अब बड़े हो गए ना। चलिए भाई साहब थोड़ा सुधर होगी। हम लोग गाड़ी में बैठ गए और इसका मीटअप ही नहीं खत्म हो रहा था। बड़ी मुश्किल से इसको बिठाया कि आजा भाई बस कर आजा। वो फोटो खींच रहा था जो भी था भाई, तो आसपास जितने भी वो थे ऑटो वगैरह वाले, ये वो ऐसे 6-8 खड़े हो गए ऐसे देख रहे ये कौन। लौट के बुद्धू घर को आए, पूरा दिन बिता के 8:20 हो गए, अब पहुंचे घर। ये देखो सबको भूख लगी है, ये किचन में, वो देखो वो किचन में। तो बाथरूम में भाई दो खाएंगे और दो निकालेंगे। हाँ। कि पूरा डिब्बा लेके ही बैठ चले गए, पूरा डिब्बा लेके चले गए। तो क्या करूं छिनू। हाँ पूरा मिठाई, पता बीपी हाई शुगर हाई करती है। किस गधे ने कहा कि मिठाई करती है, मैं नहीं कर सकता। शुगर तो है ना। शुगर दो भाई, क्या है भाई, तू भी आ जा। ओह काजू कतली। काजू कतली स्वाद तो है काजू कतली। पूरी लाइन तू खा गया रात रात में। स्वाद तो है काजू कतली। उसको बताने दे कैसी है, उसको तो पता ही होगा। चलो जी सबको भूख लगी है और हम आ गए अपने किचन में, खाना बनाते हैं। और इतना शुक्र है मैं बना के गई थी दाल, बस रोटी बनानी है। तो चलो बनाते हैं फटाफट रोटी। आप वीडियो को लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।